अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही चटपटी सी पटाखा रेसिपी बनाएंगे जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी का नाम है पानी फुलकी। तो चलें शुरू करते हैं। पानी फुलकी के लिए सबसे पहले हम पानी रेडी करेंगे। पानी रेडी करने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ये हैं। सब्ज़ धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, ये पुदीना है, लेमन है एक, सब्ज़ मिर्ची है और अदरक का एक पिंच का पीस लिया है। साथ ही इसमें जो मसाले जाएंगे वो है कुटा हुआ ज़ीरा, एक पिंच अजवाइन, शुगर ली है मैंने 2 टेबलस्पून, कुटी मिर्च, सफ़ेद नमक और काला नमक। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास इमली का पल्प है, 1 कप इसमें पानी जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 कप पानी। पानी के लिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, ये देखें। इसको प्रोफेशनल टच देने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी फुलकी का पानी बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम फुलकियाँ बनाते हैं। फुल्की के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, 1 पिंच हल्दी जाएगी इसमें, 1 पिंच अजवाइन जाएगी इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसकी मेन जो ट्रिक है वो ये है कि इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। इसको हम फ्लफ़ी करने के लिए 5 मिनट बीट करेंगे। ये देखें फुल्कियाँ इसमें डालते ही फूलना शुरू हो गई हैं। इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया। फुल्कियों को निकाल के हम पानी में डालते जाएंगे। देखें ज़बरदस्त ही पानी फुलकी रेडी है। अब हम इसको प्याज से और पुदीने से गार्निश कर देंगे अच्छे से, इससे इसकी शक्ल और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। पानी फुलकी बिल्कुल रेडी है, इसे आप अब सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।